आयुक्त नीरज के पवन पर तलवार निकाली। बीकानेर में अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी सकते में दिखाई दिए। इस मामले के बाद पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी सकते में दिखाई दिए। बाद में आयुक्त और पुलिस ने स्थिति को संभाला। नीरज के पवन ने कहा कि 19 दिन पहले ये चेतावनी दी गई थी और अब इस कार्रवाई के बीच में उनके ऊपर तलवार निकाली गई। और जब ये घटना हुई तो पुलिस और सुरक्षा कर्मी तमाशबीन बनकर देखते दिखाई दिए, वहीं सकते में दिखाई दिए। बीकानेर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन जो अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे और जो विरोध कर रहे थे अतिक्रमण हटाने का, उन्होंने उन पर तलवार निकाल ली। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता श्याम मारू। श्याम, संभागीय आयुक्त पर तलवार निकाल ली गई, ऐसे में क्या कुछ अभी इस समय स्थिति है वहां पर और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी अभी तक? जी, ये संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और अपने दलों से यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए गए थे और ये गजनी रोड की तरफ का मामला है और वहां पर जब ये कार्रवाई कर रहे थे तभी कुछ उग्र लोगों ने उन पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अचानक एक व्यक्ति तलवार लेकर सामने आ गया और इस बात को देखते ही जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो भी सकते में आ गए। नीरज के पवन वो भी सकते में आ गए। बाद में समझाइश कर उसको लोगों ने अंदर किया और किसी प्रकार से वहां से हटाया। और अब जो नीरज के पवन ने ये फैसला किया है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा जाए, पुलिस को उन्होंने बुलाया, अभी वो किसी कार्य में व्यस्त वीसी में बैठे, उसके बाद में तुरंत बाद में मामला दर्ज करवाया जाएगा और जो राज कार्य में बाधा जो डालने की कोशिश की गई है और एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर में हमला करने का प्रयास किया गया तो इसको लेकर के ये मामला दर्ज करवाया जाएगा। जी जी, ऐसे में शाम संभागीय आयुक्त पर हमला करने का प्रयास किया गया, अब तक क्या कारण रहा कि अभी तक ना तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ना मुकदमा दर्ज किया गया? जी, अभी ये कार्रवाई चल रही है और ये पुलिस में मामला दर्ज करने का जो प्रोसेस है वो चालू है और पुलिस भी उस जिसने तलवार निकाली उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी है और कहीं तीन चार जगह उन्होंने दबिश भी दी है और दबिश देने के बावजूद अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है और पुलिस का ये कहना है कि उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको जो आईएएस पर हमला किया है ये बहुत ही बड़ी चिंताजनक स्थिति और हैरान करने वाली बड़ी चूक है। पुलिस के सामने इतनी बड़ी घटना होती है, संभागीय आयुक्त पर तलवार निकाल ली जाती है और वो व्यक्ति जो आरोपी है वो अभी मौके से फरार है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है और एक सवाल या निशान खड़ा कर रही है व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन जिन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की गई और उसके बाद व्यक्ति फरार है, फिलहाल पुलिस कह रही है मामले पर जांच चल रही है, आरोपी को ढूंढा जा रहा है।